ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के बहाने कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने एक साइन बोर्ड पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वाली पंक्तियां लिखी और कांग्रेस ने इसी बहाने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कोशिशें तेज हो गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर ग्वालियर में साइन बोर्ड पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता "खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी" लिखी गई। यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई के बहाने सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले बीजेपी के नेता जयभान सिंह पवैया रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को बड़े स्तर पर मनाते चले आए हैं और जब अब सिंधिया कांग्रेस में नहीं है तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी सिंधिया के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के बहाने हमला बोला है। कांग्रेस ने होर्डिंग में अपने सभी नेताओं को महत्व देते हुए पहली बार दलित नेता फूल सिंह बरैया को होर्डिंग में जगह दी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।